अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फजल और करम से आप भी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ, और जितनी मेरी प्यारी बहनें और भाई हैं खैरियत से होंगे। और इसी दुआ के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, और आपके सब्सक्राइब करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, एक गरीब इंसान की जो है ज़िंदगी बदल जाएगी। तो व्यूअर्स, थोड़ी परेशानी वाली तो ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ी सी मैं बीमार हो गई थी क्योंकि कल जो मैंने बाटे पर छलांग मारी थी, तो व्यूअर्स मुझे मालूम नहीं था कि मेरे जो बच्चे हैं बड़े परेशान से पैदा होते हैं, लेकिन छलांग तो मैंने मार दी थी। लेकिन अब रात को तो इतना उस वक्त तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन रात को मैं जब आई तो मुझे थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा, तो फिर उसकी वजह से थोड़ा सा बुखार भी हो गया है। तो व्यूअर्स उस जगह पे थोड़ा सा दर्द भी है। तो अब रात को वो तो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात थी कि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था, लेकिन अब कुछ मैं बेहतर हूँ। तो व्यूअर्स, 8 महीने की मेरी बच्ची थी, तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं बड़े परेशान से मेरे बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन मैंने तो छलांग मार दी, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन इस वजह से मुझे थोड़ा सा हल्का सा बुखार भी हो गया था। और व्यूअर्स, अम्मी ने मेरे लिए चाय भी बनाई और गोलियां भी दियाँ, मैंने खा ली हैं। तो थोड़ा सा बुखार तो था, तो इस वजह से मुझे अब पसीना आ रहा है, इस वजह से मैं धूप में सोई हूँ। तो व्यूअर्स, अब जो है इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, मैं ठीक हो जाऊँगी। तो व्यूअर्स, आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को एंड तक देखा करें, क्योंकि आप हमारा जो वॉच टाइम है बहुत ज़्यादा रहता है, जो मेरी प्यारी बहनें और भाई पूरी मेरी वीडियो देखते हैं उनका बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं ठीक हो जाऊँगी, जितने मेरे प्यारे बहनें और भाई हैं जिनकी दुआएं मेरे साथ हैं, तो कभी मुझे कुछ भी नहीं होगा। व्यूअर्स, अब तो मैं माशाल्लाह कुछ ठीक होती जा रही हूँ, लेकिन हो जाऊँगी। तो व्यूअर्स, काफ़ी सारी जो मेरी बहनें हैं वो कहती हैं कि कल जो तुमने बाटा तोड़ा था उनकी जो है रेसिपी बनाकर मुझे दिखाओ। तो व्यूअर्स, मैं बीमार हो गई थी तो रेसिपी नहीं बना सकी, तो कभी मैं तोड़ूंगी और उनकी जो रेसिपी है बना के ज़रूर उनसे शेयर करूंगी। तो व्यूअर्स, अब जो है बीमार हो गई हूँ, तो कल भी मैंने गोलियाँ खाई थी और आज भी मैंने गोलियाँ खाई है, काफ़ी कल से काफ़ी बेहतर हूँ। तो कल तो बहुत मेरी तबीयत की उसकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन आज काफ़ी बेहतर है। तो व्यूअर्स, मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, लेकिन देखिए मैंने छलांग भी लगा दी और उसकी वजह से ये मुझे सब भुगतना पड़ा। तो व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और हमारी सपोर्ट करें, क्योंकि हमारा जो वॉच टाइम है काफ़ी रहता है, और आधा वॉच टाइम जो है मेरी एक आपी थी, उन्होंने हमारा पूरा करवाया, तो उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा हम करते हैं। तो व्यूअर्स, इतनी मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि जितनी भी मैं वीडियो बनाती हूँ अभी तक कोई मेरी वीडियो जो है वायरल नहीं हुई। तो आप हमारी सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर हो जाएगी। व्यूअर्स, अब जो मैं हूँ बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं कि मैं किसी को देखकर और चैनल को जो है कोई लिंक लगवा सकूँ या कोई बात टाइम जो है पूरा करवा सकूँ। तो व्यूअर्स, आपकी मेहनत के साथ मैं चलना चाहती हूँ और आप मेरी मदद करें और मेरी हेल्प करें चैनल में। तो व्यूअर्स, एक मेरा कज़न है, उनका बड़ा चैनल है, लेकिन लोग आते हैं उनके साथ वीडियो भी बनाता है, उनको लिंक भी ला कर देता है और उनसे पैसे लेता है। लेकिन मैं गई 20 दफ़ा उनके घर गई थी, लेकिन मैंने कहा कि मुझे जा लिंक ला दो और वीडियो बनवा दो, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। लेकिन उन्होंने क्या कहा, एंड में 10,000 लूँगा आपसे और आपकी वीडियो जो है बनवाऊँगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनको दूँ और जो है लिंक लगवा दूँ। लेकिन व्यूअर्स, हो सका तो उनकी वीडियो में मैं आपसे बहुत ज़्यादा जल्द शेयर करूँगी आज की हमारी वीडियो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन मैं अच्छी वीडियो भी आपके लिए नहीं बना सकी। तो व्यूअर्स, कल जो है मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाऊँगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और लोगों से शेयर किया करें, लाइक भी किया करें।
तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।